हेलो डियर, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम टू मॉड्यूलेशन चैनल, मोस्ट वेलकम टू मॉड्यूलेशन चैनल। माय नेम इज़ प्रमोद अग्रहरी एंड टुडे वी विल डिस्कस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम लाइक SSC JEE, आपका जो भी SSC JEE या किसी भी स्टेट के JEE हो या स्टेट के AE हो, वहाँ पर इस समय पर बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, बहुत थोड़े क्वेश्चन हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिए, क्योंकि आज का सिलेक्शन के लिए इतना आसान सब्जेक्ट है ये कि आपको कुछ करना नहीं, आपके चीज़ें आप सब सामने देखे हुए हैं, सारी चीज़ें आप देखे हुए हैं, बस आपको थोड़ा बहुत इन पर गौर करना है। जैसा आप इसको पढ़ेंगे आपका एक हिसाब से नज़रिया चेंज हो जाएगा चीज़ों को देखने का। जैसे आप कहीं पर देखेंगे कि अच्छा लिंटर है, लिंटल को क्या बोलते हैं और कितने तरीके से हो सकता था, ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे। जो आप मैसनरी है, कितने टाइप की मैसनरी होता है, ब्रिक मैसनरी या तो कुछ है इस तरह की मैसनरी, ये सारा कुछ आपको देखना है, ओके। तो डिस्कस करते हैं हम लोग आज के दिन का पहला क्वेश्चन और आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट का ये सेकंड लेक्चर है या सेकंड टॉपिक है, पहले टॉपिक पे हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए इसका क्या आंसर होगा। कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूँ, ओके। पहला क्वेश्चन आपका क्या, जो पहला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है पहला वाला। कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो कि सही है। मड प्लस्टरिंग, मड जो प्लस्टरिंग होता है डज नॉट रिक्वायर्ड क्यूरिंग, बिल्कुल सही बोल रहा। आप क्या सोच रहे हैं कि आपका मड, आपकी मिट्टी का, देखिए आपके घरों पर जो प्लस्टरिंग का काम होता था वो कैसे हुआ, जो घरों में प्लस्टरिंग का काम होता है कैसे हुआ। एक्चुअली सबसे पहले क्या होता था, लोग अपने घरों पर प्लस्टर के पहले क्या होते थे, मिट्टी की पुताई करते थे, उसके बाद चूना आया, चूना के बाद डिस्टेम्पर आया, डिस्टेम्पर के बाद फिर से आपका वाइट सीमेंट आई, फिर से आपका पेंट आया, फिर से आप वार्निश आया, अब इस तरह से प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। तो पहले जब आपका क्या था कि आपका मड प्लस्टर होता था, मड प्लस्टर कोई ऐसे स्पेशल नहीं होता था, मिट्टी को पानी के साथ मतलब मिक्स करके ऐसे दीवार के ऊपर चढ़ाना होता था, उसको मड प्लस्टर कहते हैं। अब उसमें अगर आप क्यूरिंग की क्यों ज़रूरत है, अगर आप उसमें क्यूरिंग करेंगे तो टोटल मड क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो आपका फर्स्ट पार्ट तो सही है, मड प्लस्टरिंग रिक्वायर्ड क्यूरिंग, बिल्कुल क्यूरिंग नहीं रिक्वायर्ड है, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कोई किसी भी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं है। कहने का क्या मतलब है, वो किसी भी सिचुएशन पर डिपेंड नहीं है, वो किसी भी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं है, बस ये है कि आप ना उसमें क्यूरिंग कर ही नहीं सकते। याद रखिएगा, आप उसमें क्यूरिंग किसी भी हालात पे नहीं कर सकते, और अगर आपने किया तो फिर क्या होगा, आपको उसका वही ओरिजिनल शेप मिलेगा जो पहले था, समझ रहे हैं ना, जो उसका पहले था वही उसका ओरिजिनल शेप मिलेगा। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, कि प्लस्टरिंग इज ऑल्सो नोन एज, देखिए प्लस्टरिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो प्लस्टर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्लस्टर को और क्या बोला जाता है। देखिए प्लास्टर होता क्या है, प्लास्टर में जैसे कि आप आपका फर्स्ट ब्रिक मैसनरी हो गई, यहाँ पर समझ लेते हैं, आई होप 90% लोग ये जानते होंगे कि प्लस्टर क्या होता है। यह आपका ब्रिक मैसनरी हो गई, ब्रिक मैसनरी के बाद आपने क्या कर दिया, इसमें प्लस्टर कर दिया सीमेंट सैंड से, सीमेंट और साइंस से यहाँ पर कर दिया, प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करने के बाद इसको और क्या बोलते हैं, देखिए ये जो प्लास्टर आपने किया था ना, ये टू कोट में होते हैं, कितने कोट में, बट आपके घरों पर जो होता है वो सिंगल कोट होता है, याद रखिएगा, जो आपका फर्स्ट कोट होता है उसको क्या बोलते हैं, अंडर कोट, अंडर कोट, एंड दूसरा फिनिश कोट, जो कि अंडर कोट है 10 to 12 mm, एंड जो फिनिश कोट है 2 to 3 mm, ये आपका साइज होता है किसका, आपका प्लास्टरिंग की साइज होती है, ओके। तो फर्स्ट कोट इज द अंडर कोट, सेकंड कोट इज द फिनिश कोट। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसको और किस नाम से जाना जाता है, प्री कास्टिंग का, तो मतलब समझ रहे हैं
आप प्री कास्ट कर रहे हैं, मतलब आप सिचुएशन आपका यहाँ पर कोई काम हो रहा है, आप यहाँ पर नहीं, आप बाहर कास्टिंग का काम बाहर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? प्री कास्टिंग बोला जाता है। पॉलिशिंग समझ रहे हैं, पॉलिश करना, उसको पॉलिशिंग बोलते हैं। पॉइंटिंग ये आपका फॉरगेटिंग, आपका कौन सा आंसर सही होगा? आपका फॉरगेटिंग आंसर सही होगा, कौन सा आपका बी पार्ट सही होगा। और यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको नियर अबाउट 250 क्वेश्चन करवाऊँगा और 250 क्वेश्चन में आपका पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग आपका कवर हो जाएगा। आपका इससे बाहर बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन आए, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके जितने पेपर में आए हुए हैं या कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ आपके लिए लेके आया हूँ। तो याद रखिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल फील्ड से हैं आप और सिविल से रिलेशन रखते हैं, आप सिविल से आपका रिलेशन है, देन बहुत यूजफुल होने वाला है। ओके, यहाँ पर दूसरा क्या है कि व्हाट इज़ द थिकनेस इंचेस ऑफ द वन ब्रिक वॉल मेड द ट्रेडिशनल ब्रिक। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, आपकी ब्रिक की जो साइज है, ब्रिक, आपको एक चीज़ पता है, ये जितनी भी ब्रिक आपकी हैं, सारी ब्रिक का डायमेंशन आपका डिफरेंट मिलेगा, किसी भी ब्रिक का साइज सेम नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का ब्रिक की साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब स्टैंडर्ड देखा जाए 9x9x19 सेंटीमीटर है डियर, इसकी साइज है 9x9x19 सेंटीमीटर। ओके, स्टैंडर्ड साइज है। बट आप अपने घरों पे कभी जाइएगा और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और आप ब्रिक को उठाइएगा, उसका साइज मेजर करिएगा, नहीं मैच कर पाएंगे। और इसकी इंचेज में अगर जो ट्रेडिशनल ब्रिक है, यहाँ किसका बोला गया? ट्रेडिशनल ब्रिक। ट्रेडिशनल ब्रिक के लिए कितना होगा? 3x3x4x9x। कितने इंच का है ट्रेडिशनल ब्रिक? ट्रेडिशनल ब्रिक में देखेंगे कि 9x4.5x3x। यहाँ पर क्या बोला गया? इंचेज में ही आपको बताना है, देन आपका क्या आंसर आएगा? यहाँ पर 9 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 9 आएगा। जबकि यहाँ पर द थिकनेस, व्हाट इज द थिकनेस इंचेज ऑफ द वन ब्रिक वॉल मेड द ट्रेडिशनल ब्रिक, तो यहाँ पर कितना आएगा? 9 इंचेज आ जाएगा। ट्रेडिशनल बोला गया इसलिए आए आपका आंसर यही आएगा। ओके, और तो यहाँ पर इंच में देखा जाए 20, 18, 10, ये सारे गलत हैं, तो एक ही आपका ऑप्शन बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको आप बताइए क्या कि व्हाट इज द थिकनेस, किसमें? सेंटीमीटर में, वेरी गुड, ऑफ द टू ब्रिक वॉल। क्या? टू ब्रिक वॉल मेड ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक, मेड ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक। क्या बोला जा रहा है? टू ब्रिक वॉल, एक ब्रिक का जो लेंथ है वो कितना है? एक ब्रिक का जो लेंथ है उसका आपका 20 सेंटीमीटर है, आपकी टू ब्रिक है तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, देन योर आंसर विल बी 40 सेंटीमीटर। ये सब जनरल क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बताऊँ, सारे जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप ऐसे देखेंगे तुरंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर द हाई क्लास ब्रिक मैसनरी। क्या? हाई क्लास ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी तो आप देखे होंगे, ब्रिक मैसनरी आपकी टू टाइप्स की होती है, एक ब्रिक मैसनरी, सॉरी, मैसनरी आपकी टू टाइप की होती है, एक ब्रिक मैसनरी होती है, एक स्टोन मैसनरी होती है। स्टोन मैसनरी आर फर्दर क्लासीफाई इन द टू टाइप, एक असलर मैसनरी होती है, एक आपका असलर मैसनरी और एक मैसनरी होती है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर हाई क्लास ब्रिक है, हाई क्लास ब्रिक मैसनरी के लिए यहाँ पर कौन से टाइप की ब्रिक सुटेबल होगी, कौन से टाइप की ब्रिक? देखिए, आपका बुल नोज ब्रिक क्या होती है? बुल नोज ब्रिक आप समझ लीजिए, आप ब्रिक बना लीजिए, ये आपकी ब्रिक हो गई, रबल आसरल, असलर एंड रबल, दो तरह की मैसनरी होती है जो यूज होता है ना। यहाँ पर आपकी जो ब्रिक है, आपने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ये ब्रिक को क्या किया, यहाँ से आपने कट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल बुल नोज ब्रिक बोलते हैं। ओके, झामा ब्रिक आपका फोर्थ क्लास का ब्रिक होता है, अंडर बंट ब्रिक मीन्स ये आपका जो ब्रिक है ना, एकदम
सही से बर्न नहीं है, आपका सही से मतलब जलाया नहीं गया है, तो अंडर बिन अंडर बर्न ब्रिक बोल दिया गया। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर आपका मॉड्यूलर ब्रिक। इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल ब्रिक को क्या बोला जाता है, मॉड्यूलर ब्रिक। नॉर्मल ब्रिक को क्या बोला जाता है, मॉड्यूलर ब्रिक बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर द सोकिंग ऑफ द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट यूज। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन, इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग, सोखना द ब्रिक इन वाटर, ब्रिक इन वाटर बिफोर इट यूज। मतलब ये होता है कि आपने घरों पे अपने देखा होगा, जब ब्रिक बनाया जाता है, सॉरी ब्रिक मशीनरी किया जाता है, तो क्या होता है, ब्रिक में पहले पानी डाला जाता है। उससे होता क्या है, वो अपने मॉइस्चर को मेंटेन कर लेता है। अगर वो मॉइस्चर मेंटेन नहीं करेगा तो आप जो मोर्टार यूज कर रहे हैं ना, मोर्टार जो यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आप ब्रिक रख दिए हैं, तो ब्रिक जो है ना, इस मोर्टार का क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। जब वाटर को खींच लेगा तो होगा क्या, ये आपके पास मोर्टार के पास सफिशियंट स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ द वाटर, पानी की कमी के कारण क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। टू फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन, ओके, एब्जॉर्ब कर लेगा ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द मोर्टार बाय द ब्रिक, बिल्कुल सही बात बोला गया है। एंड फॉर रिड्यूसिंग एयर वॉइड, या एयर वॉइड को रिड्यूस करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। फॉर क्लीनिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं, तो मतलब देखिए, अगर ये ऑप्शन ना होता तब आप क्लीनिंग के लिए भी बोल सकते थे, बहुत गंदे ब्रिक हो सकता, ब्रिक आपके बहुत गंदे हो तो 4 साल पुराने यूज कर रहे हैं, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। आपका जो ओरिजिनल आंसर होगा ना, दे आर आंसर वी गो फॉर ए पार। कुछ बच्चे भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो ब्रिक, इसके पहले हम धुलाई करते हैं ब्रिक की, क्या क्लीनिंग करते हैं ना, वो फॉर क्लीनिंग के लिए होता, पानी डाल के क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। और यहाँ पर वो दिमाग मत लगाइएगा कि लेट अस सपोज दिस इज ए ब्रिक, और यहाँ पर कुछ काई वगैरह लग गई है, तो आपने फंगस वगैरह लग गया, तो आपने क्या कर रहा है, उसको उसको रेगमाल से घिस रहे हैं, उसको आप क्या बोल रहे हैं कि इसको इसलिए घिस रहे हैं ताकि उसका वाटर ने एब्जॉर्व कर पाए, नो, वो क्लीनिंग आपका होगा। तो याद रखिएगा ये छोटी छोटी चीज़ें सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, द फॉलोइंग प्रपोर्शन ऑफ द सीमेंट एंड मोर्टार इज नॉर्मली यूज फॉर ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन। ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन के लिए आपका मोर्टार तैयार करना, सीमेंट और सैंड के लिए मीन्स प्लास्टर करना है, मोर्टार के लिए आपका जो ऑप्शन है 1:6, आपका क्या ऑप्शन सही होगा, 1:6 आपका सही होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये आपसे ट्विस्ट करवा सकता था, आपसे ये बोल दिया जाता कि द मोर्टार यूज फॉर आउटर रेंज, द मोर्टार यूज्ड फॉर आउटर रेंज के लिए, देन सीमेंट इसका प्रपोर्शन होगा 1:4, एंड जब फॉर इनर रेंज के लिए, इनर रेंज बोलिए आउटर साइड बोल दीजिए, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, इनर साइड के लिए, इनर साइड के लिए देखा जाए 1:6। तो ये प्रपोर्शन याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे कुछ ऐसे गेम कर सकता था कि आपसे ये बोल दिया जाए इनर या आउटर, तो याद रखिएगा आपसे जब आउटर होगा तो 1:4 होगा, जब इनर होगा आपका 1:6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑपरेशन ऑफ रैकिंग, ऑपरेशन ऑफ रैकिंग आउट द मेसनरी ज्वाइंट फॉर अबाउट 13 mm डेप्थ, 13 mm डेप्थ, एंड देन फिलिंग देम अप विद द रिच सीमेंट, रिच सीमेंट सैंड 1:3 इज नोन, इसको क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होता मालूम आपको, ड्रेसिंग क्या होता है, पॉइंटिंग, ये तो एक्चुअली पॉइंटिंग का काम होता है। अब पॉइंटिंग क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि पहले क्या होता था, पहले लोगों के पास थोड़ा पैसे वगैरह कम होते थे, तो होता ये था कि लोग पहले ये, जैसे लेट अस सपोज कोई वॉल थी, ये वॉल बनाया आपने, पहले जो आप मोर्टार यूज करते थे ना, कई साल पहले आपके जो बाबा लोग घर बनाए होंगे उसमें क्या था, पहले मोर्टार यूज होता था, इनके बीच बीच में जो कलर का यूज किया गया है दे आर मोर्टार। ये जो मोर्टार है ना, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर ब्लैक कलर से, ये जो है आपका ब्लैक कलर का मोर्टार है, ओके,
ये जो मोर्टार है ना, एक्चुअली ये पहले क्या यूज करते थे मोर्टार की जगह, मिट्टी मड मड मोर्टार यूज करते थे, क्योंकि इतना पैसा होता नहीं था और सीमेंट भी इजली अवेलेबल होती नहीं थी। तो हुआ क्या, आफ्टर सम टाइम जब सीमेंट आई मार्केट में, लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा हुआ, तो होता क्या था कि यहाँ पर कुछ इस शेप का, अगर आप साइड से देखेंगे, आप इस शेप का, इस शेप का क्या करते हैं, यहाँ पर कट, यहाँ से क्या होता है, इसको क्या करते हैं, यही चीज़ लिखा मेसनरी ज्वाइंट में अबाउट ऑपरेशन, आप रैकिंग करते थे, रैकिंग आउट निकालते थे मिट्टी को, ये मिट्टी इतने पोर्शन से निकाल लिए, कितने सेंटीमीटर डेप्थ का, कितने एमएम डेप्थ का, 13 mm डेप्थ का। अब करेंगे क्या, सीमेंट पेस्ट जो 1:3, अब आप सोच लीजिए कि नेक्स्ट एग्जाम में दे आर आस्क द पॉइंटिंग विच आर यूज सैंड मोर्टार, द रेशियो शुड बी 1:3, द रेशियो शुड बी 1:3 आपका होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर सैंड अब आप भर देंगे, यहाँ पर आप क्या होगा सैंड, ये मोर्टार आपका जो है ना, ये मोर्टार कुछ इस तरह से आप फिल कर देंगे, ये मोर्टार कुछ इस तरह से आप क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ओके। ये आपका क्या हुआ, मोर्टार फिल हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड पॉइंटिंग। तो याद रखिएगा पॉइंटिंग, यहाँ पर पॉइंटिंग से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं पॉइंटिंग का। सीमेंट मोर्टार कितना होगा, 1:3, अगर 1:3 नहीं गिवन देन योर आंसर विल बी 1:2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कि अ ब्रिक लेड विथ विड्थ पैरेलल टू द फ्रंट डायरेक्शन वॉल। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा लगाना है, समझ गए ना, ये सारे क्वेश्चन में हाई तो कुछ नहीं, समझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आपको मैं बताऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आप इसमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जबकि मुझे पता है हर बच्चे को ये आंसर पता होगा। चलिए इसका आप आंसर बताइए, इसका आप लोग आंसर मैसेज करिए मुझे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अब इसका आंसर क्या, देखिए बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको आता रहेगा, समझ रहे हैं ना, आपको आता है, क्या है आपको आता है, लेकिन करेंगे क्या, ब्रिक लेड विथ विड्थ पैरेलल द फ्रंट डायरेक्शन, द ब्रिक लेड लेटा हुआ है किसमें, विथ विड्थ पैरेलल, आपकी विड्थ आपकी क्या है, आप ब्रिक सबसे पहले बनाइए, आप यहाँ पर आपको चीज़ों को समझना है, ये आपकी ब्रिक थी, ओके, ये कैसे लेड है, विड्थ, ये इसके लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई, इसको BLT विड्थ आपकी जो है ना, ये पैरेलल टू फ्रंट डायरेक्शन, ये फ्रंट डायरेक्शन के पैरेलल है, क्या है ये, फ्रंट डायरेक्शन के पैरेलल है। जब अगर आप ऐसे ब्रिक का देखिए, ऐसे चीज़ों का जब एग्जाम में आ जाए ना, तो आप सामने से ऐसे देखिएगा, ब्रिक है आपके, ये फ्रंट मेरे सामने क्या है, ये पैरेलल है, ये मेरे सामने पैरेलल है, ध्यान से देखिएगा, ये अगर ऐसे होगा, इसकी विड्थ क्या है, मेरे सामने पैरेलल, क्या बोला जा रहा है, विड्थ पैरेलल टू द फ्रंट डायरेक्शन ऑफ वॉल, ये वॉल है, लेट अस सपोज ये वॉल है, इसके क्या है, विड्थ क्या है, पैरेलल है, ये वॉल के लेंथ, इसके अगर पैरेलल है तो ये क्या होगा, हेडर होगा ना आपका, ये कैसे होगा, हेडर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखिए, क्वीन क्लोजर होता है एक आपका, स्ट्रेचर आपका, इसको आप स्ट्रेचर बोलते हैं, इसको आप हेडर बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में ना आपको खुद फील्ड में उतर के समझना होगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन में आप खुद समझेंगे कि वो क्या बोल रहा, कहने को समझ गए ना कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको खुद समझना है और अपने आप को वहाँ पर रख के समझिएगा, तब आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ब्रिक लेडा हुआ है विद विड्थ, इसकी जो विड्थ है ना वो पैरेलल है किसके, किसके पैरेलल है, फ्रंट डायरेक्शन ऑफ वॉल, वॉल के फ्रंट डायरेक्शन, ये आपका वॉल हो गया, ये आपका वॉल हो गया,
इसके क्या है पैरेलल है, तो अगर आपकी ये पैरेलल होगा, ध्यान से समझिएगा, ये विड्थ के, ये आपका वॉल थी तो इसके क्या है ये पैरेलल ही है। लेटर सपोज ये इस तरह से होती, इस तरह से होती तो आपका कौन सा ब्रिक दिखता, आपको स्ट्रेचर दिखता, आपको क्या दिखता, स्ट्रेचर दिखता। तब इसके किस तरह से होती, परपेंडिकुलर। ये कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान पर रखिएगा और एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और वहाँ पर बस आपको घुमाएगा वो कॉन्सेप्ट। आप अगर आपको क्लियर हो गया, आप अपने आप को सेटल होना सेटल कर लिए, देखिए जैसे ये आपकी वॉल थी, लेट सपोज ये आपकी वॉल थी, ठीक ना। अब ये कह रहा है ये जो वॉल है आपकी, इसके क्या है ये वाला विड्थ, इसकी क्या है पैरेलल है, तो ये क्या है विड्थ, इसके पैरेलल ही तो है, ये देखिए ना इसके पैरेलल ही। अब आपसे ये बोल दिया जाए अगर इसके परपेंडिकुलर होता, ये अगर इसके परपेंडिकुलर, वॉल के डायरेक्शन के विड्थ परपेंडिकुलर, ये विड्थ कैसे हो गई परपेंडिकुलर हो गई, 90 हो गया, कैसे हो जाता आपका स्ट्रेचर, किस फॉर्म का बनता आपका स्ट्रेचर फॉर्म का बनता, ओके। क्वीन क्लोजर तो आप समझ रहे हैं, क्वीन क्लोजर में क्या होगा, आप अपने ब्रिक को हाफ विड्थ में दो पार्ट में कर दीजिए, दे आर कॉल्ड क्वीन क्लोजर, उसको क्या बोलते हैं क्वीन क्लोजर बोलते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं क्वीन क्लोजर बोलते हैं, ओके, इसको क्या बोलते हैं आप क्वीन क्लोजर बोलते हैं। तो इस तरह से आप चारों ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हुआ है, यहाँ पर क्या आपका होगा हेडर होगा, समझ गए ना कॉन्सेप्ट को, थोड़ा समझिए, टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा आपके। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, द नेचुरल बेडिंग प्लान ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मेसनरी, द नेचुरल बेडिंग, द नेचुरल बेडिंग प्लान ऑफ द स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर। देखिए स्टोन है, स्टोन के किधर होगा आपका, स्टोन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल होगा, जो लोड लगाया जाता है स्टोन का, स्टोन मेसनरी में जहाँ पर आप कहीं भी स्टोन यूज करेंगे तो उसके ऊपर ऐसे ही लोड लगेगा, यहाँ पर कौन सा पार्ट आपका सही होगा नॉर्मल सही होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है आपका देखते हैं, इट इज मेटल कनेक्शन, इट इज मेटल कनेक्शन एम्प्लॉयड इन द स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज, क्या है, कॉर्नीज है, बेड ज्वाइंट है, क्रैम्प, इसको क्या बोलते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ क्रैम्प क्या है। देखिए अभी मैं फिर से बताऊँ, जानते सब लोग हैं, जानते सब लोग हैं लेकिन आपको पता नहीं होगा क्रैम्प क्या होता है। क्रैम्प एक्चुअली होता क्या था कि लेटर सपोज ये आपका क्या है, ये आपकी कोई भी स्टोन है, ये स्टोन कुछ ऐसे स्टोन की दीवार है, चलिए स्टोन की वॉल है, ये क्या है आपकी स्टोन की वॉल है, ओके, ये आपकी क्या स्टोन की वॉल है। अब यहाँ से आपको क्या है कि आपको वायर लेके जाना था, क्या लेके जाना था, वायर लेके जाना था, देन आपने क्या किया एक मेटल का क्रैम्प यहाँ पे लाके ऐसे पेनिटेट करके या यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर दिया, एक मेटल का वायर यहाँ पर अंदर पेनिटेट कर दिया और इसको नट बोल्ट से कस दिया। अब इसके ऊपर आप ले जा सकते हैं, ये जो होगा गन मेटल का बना होगा, ये जो बनेगा आपका क्रैम्प किसका बना होगा, गन मेटल का, काहे का बना होगा, गन मेटल का बना होगा, ओके। तो याद रखिएगा क्रैम्प किसको बोलते हैं, क्रैम्प बोलते हैं मेटल कनेक्शन, जो मेटल कनेक्शन है वो भी मेटल कैसा होगा, गन मेटल होगा, एम्प्लॉयड ऑन द स्टोन मेसनरी, स्टोन मेसनरी के ऊपर क्या होता है एम्प्लॉयड होता। अभी मैं आपको समझा सकता हूं इसका एग्जांपल, तो क्रैम्प के लिए जैसे आप यहां खुद समझ लीजिए, इसके ऊपर से अगर कोई आपको क्या लेके जाना है, कोई वायर लेके जाना है, तो क्या करते हैं आप यहां पर एक गन मेटल लगा देते हैं, ओके। तो आपका कौन सा आंसर होगा, आपका डी पार्ट सही होगा, कॉर्नीज बेड ज्वाइंट तो आप समझ रहे हैं, कोबल क्या होता है, कोबल आप समझ रहे हैं, आपका जिस पार्टिकल का साइज, जिस सॉइल के पार्टिकल का साइज 300 mm से ज़्यादा हो कोबल बोलते हैं। बेड ज्वाइंट क्या होता है, अरे बेड ज्वाइंट आपका ये तो बेड ज्वाइंट है, यही तो बेड ज्वाइंट है, दे आर कॉल्ड बेड ज्वाइंट। कॉर्नीस ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अबॉन्ड देखिए फिर से, अबॉन्ड मेड बाई अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द सेम कोर्स, एक ही कोर्स में अल्टरनेट हेडर और कोर्स चलेगा, क्या होगा इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था, क्या बताया था, इतना अच्छा एग्जांपल बताया था आपको, देखिए ना आप अभी आपको ये पूरा इंग्लिश एंड फ्लेमिश के बारे में बहुत कुछ आपको क्लियर किए दे रहा हूँ मैं। इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड दो तरह के बॉन्ड होते हैं, ओके, दो तरह के बॉन्ड होते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि आप लोग थोड़ा सा
बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, अभी जब आप लोग ट्वेल्थ किए होंगे तो ट्वेल्थ में क्या था, मतलब आपके क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रहती होंगी। अगर आपके पास रूम अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, खाली है, तो क्या होता था, जैसे हमारे साथ तो ही होता था कि एक में बॉयज़ को बैठाला जाता था, दूसरे में गर्ल्स को बैठाला जाता था। और जिस दिन ऐसे हुआ कि रूम शायद इजीली अवेलेबल नहीं, उसमें दूसरी क्लास चल रही थी, तब क्या होता था कि गर्ल्स को बॉयज़ के साथ ही बैठाल के पढ़ाया जाता था। जब आपके पास रूम अवेलेबल है, आपके पास टू रूम अवेलेबल है, तो क्या करेंगे आप, स्ट्रेचर एंड हेडर को अलग अलग बैठा लिए। जब एक ही रूम है तो क्या करेंगे आप, हेडर और स्ट्रेचर को क्या करेंगे, हेडर और स्ट्रेचर को एक कमरे में बैठा लेंगे। अब इसको बॉयज और गर्ल्स ही मानिए, स्ट्रेचर और हेडर को बॉयज और गर्ल्स ही मानिए। जब आपके पास अलग अलग रूम है तो अलग अलग कमरों में बैठा लिए, जब एक ही रूम है तो एक में बैठा लिए। अब देखिए, अब आप खुद बताइए कि जब बॉयज और गर्ल्स एक ही कमरे में बैठ के पढ़ेंगे तो सबके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ के लिए ज़रूर कह सकता हूँ, कुछ कंसंट्रेशन तो इधर उधर होगा होगा, ह्यूमन नेचर है, समझ रहे हैं। तो क्या होगी, आपकी स्ट्रेंथ वीक होगी, आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी, आपकी क्या है, स्ट्रेंथ वीक हो गई, समझ गए ना। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये भी बोल देगा कि इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड में स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग बैठ के पढ़ रहे हैं, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखने में कौन अच्छा लगेगा, देखने में तो अच्छा लगेगा लगेगा, अलग अलग बैठे हैं, मन नहीं लगेगा लड़कों का बगल वाले में भी, तो चीज़ें समझ रहे हैं ना। तो ऐसे इसी तरह से एग्जांपल आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। ओके, तो यहाँ पर आप ये देखिए क्या बोला जा रहा है, हेड और स्ट्रेचर के बाद समझ गया, तो आपका कैसा बॉन्ड हो गया, आपका फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, कैसा, फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। इंग्लिश बॉन्ड आपको समझ में आ गया, हेडर बॉन्ड क्या है, हेडर बॉन्ड आपका, आपका हेडर बॉन्ड और स्ट्रेचर बॉन्ड दोनों मैं समझा देता हूँ आपको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको शायद ही याद रहे या कोई बताए, बताने वाले तो बहुत है, बहुत अच्छे से अच्छे महान टीचर हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट इसी में आपको हेडर और स्ट्रेचर मैं दोनों एक ही लाइन में समझा दूंगा। ओके, देखिए हेडर 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 हेडर, जब आपका केवल हेडर ही बने, अभी वो मैं सीरीज को हटा दूंगा, ये जो लाइन से बन रहा है ना वो हटा दिया जाएगा कॉर्नीज लगा के समझाने के लिए। अब ये तो हेडर की बात हो गई, स्ट्रेचर में क्या होगा, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, ये आपको क्या, कौन सा बॉन्ड बोलेगा, स्ट्रेचर बॉन्ड, इसको हेडर बॉन्ड, यहाँ पर डबल फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। ओके, अब फ्लेमिश भी टू टाइप के होते हैं, सिंगल फ्लेमिश डबल फ्लेमिश, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश के बारे में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अलाउड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेस अंडर कंसंट्रेशन लोड इन ब्रिक मैसनरी एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म लोड कंडीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अलाउड कंप्रेसिव स्ट्रेस अंडर कंसंट्रेटेड लोड इन द ब्रिक मैसनरी एज कंपेयर टू यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पर क्या है, अब लेट अस सपोज ये ब्रिक मैसनरी थी, ये आपकी जो ब्रिक मैसनरी है, आप एक कंसंट्रेट लोड लगाओ और एक यूनिफॉर्म लगाओ, तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, 50% मोर देन होगा, यूनिफॉर्म में क्या होगा, 50% मोर देन होगा। सिंपल सी बात है, जब आप केवल यहीं पर पॉइंट लोड लगा रहे ना, तो मे भी चांसेस है कि यहाँ से कभी ना कभी यहाँ से क्रैक हो जाए, लेकिन जब यूनिफॉर्म होगा तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है इधर उधर, समझ गए ना। 10 किलो न्यूटन का लगाना है, आप एक ही जगह लगा दीजिए, क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होगा। यही 10 किलो न्यूटन को आप ऐसे लगाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका, समझदार हैं आप। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज फॉर, ये वाला क्वेश्चन करवाया जा चुका है, आर्चेज में यूज नहीं होता, कहाँ पर, आर्चेज में यूज नहीं होता। ओके, अ वर्टिकल ज्वाइंट ऑन द फेस ऑफ द वॉल डायरेक्टली ओवर वर्टिकल ज्वाइंट एंड अल्टरनेट कोर्स इज द टर्म, इसको क्या बोला हूँ, सेम क्वेश्चन हो चुका है, परपेंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परपेंड, ये जो जोड़ में आपके ब्रिक मैसनरी में, ये जो ब्रिक मैसनरी में ये वाला जोड़ होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, परपेंड बोलते हैं इसको, क्या बैट क्या होता है, जब आप ब्रिक को कट कर देते हैं उसका हाफ बैट या 3/4, ओके, तो उसको बैट बोलते हैं। बेड क्या होता है, दिस इज कॉल्ड ए बेड, इसको बेड बोलते हैं। ओके, इसको बेड बोलते हैं। एंड मीटर क्लोजर क्या होता है, वो क्लोजर, मतलब अभी जब मैं आपको क्लोजर पढ़ाऊंगा ना कि ब्रिक की कटिंग, जैसे आपकी ब्रिक हो गई, ये समझिएगा ये आपकी ब्रिक है आपका, ओके, ये आपकी बीवेल्ड हो गई एंड ये आपकी मिट हो गई, या आप अगर आप ब्रिक को ऐसे काट रहे हैं
अगर आप ब्रिक को ऐसे काट रहे हैं तो आपका मीटर क्लोजर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, ए स्टोन पासिंग थ्रू, एक स्टोन पासिंग थ्रू अ वॉल फ्रंट टू बैक फेस एंड विच एक्ट एज ए बाइंडर फॉर द टू फेसेस स्टर्मेज कॉर्निस कॉर्बेल थ्रू स्टोन। एक्चुअली यहाँ पर बोला क्या जा रहा हूँ, देखिए सारा कुछ अभी आपको बता देता हूँ। ये बोल क्या रहा है, ये बोल ये रहा है कि आपका ये लेटर सपोज स्टोन की मैसनरी है, स्टोन की मैसनरी और आप एक स्टोन ऐसा यूज कर रहे हैं, लेटर सपोज दिस इज ए स्टोन जो आपको फ्रंट से भी दिख रही होगी और बैक से भी दिख रही होगी, तो इसको क्या नाम देगी, इस स्टोन को क्या नाम देते हैं, इस स्टोन को जो नाम देते हैं ना थ्रू स्टोन बोलते हैं। बटरेस तो आपको पता क्या है, बटरेस, बटरेस आपको पता, ये आपकी वॉल हुई, वॉल के पीछे जो उसको रोकने के लिए दिया जाता उसको बटरेस बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द वॉल विच 1 सेंटीमीटर मोर्टार ऑफ द हाफ ब्रिक। देखिए हाफ ब्रिक बोला है, हाफ ब्रिक बोला है, तो हाफ ब्रिक बोला है तो 9 होता है, देखिए दिमाग यहाँ लगाना है आपको, 9 होगा अगर हाफ ब्रिक बोला है तो हाफ ब्रिक के लिए तो आपका 9 ही हो गया, हाफ ब्रिक में क्या होगा 9 ही होगा। 9 में क्या करिए, 1 mm का मोर्टार मिला दीजिए, कितने 10 mm का, 10 mm कहीं पर है ही नहीं, नन ऑफ दीज का एबव सही होगा, नन ऑफ द एबव सही होगा। उसको पता था कि लड़के यहाँ पर 29 9 कुछ यहाँ पर दिमाग लगाएंगे जो कि गलत हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि एग्जामिनर कैसे आपके दिमाग से खेलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इन द बिल्डिंग वर्क कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। क्या है, स्टोन आपका इन बिल्डिंग वर्क, बिल्डिंग वर्क में कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, आपका फाउंडेशन भी ज़रूरत होगा, वॉल एंड कॉलम भी ज़रूरत होगा, आर्चेज एंड लिंटर भी ज़रूरत होगा। स्टोन इन बिल्डिंग, बिल्डिंग स्टोन में सब कुछ की ज़रूरत होगी आपको, आप खुद बताइए मुझे, फाउंडेशन की ज़रूरत होगी, वॉल एंड कॉलम की ज़रूरत होगी, आर्चेज एंड लिंटर की ज़रूरत होगी, देन योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, आपका क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज आपका आंसर होगा। द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल पैचेस, द फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल पैचेस ऑफ प्लास्टर स्वेलिंग आउट बियॉन्ड द प्लास्टर्ड सरफेस इज नोन एज। देखिए आपका एक प्लास्टर सरफेस था, अब वहाँ से क्या कुछ पैचेस जैसे में बाहर निकल के गिर जा रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉलिंग आउट द प्लास्टर, ब्लोइंग ऑफ द प्लास्टर, उसको क्या बोलते हैं, ब्लोइंग। और देखिए इफ्लोरेसेंस क्या होता है, पहले भी समझ लीजिए, इफ्लोरेसेंस होता है आपका या तो ब्रिक वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, ब्रिक में क्या होता है, ब्रिक में वाइट कलर का कुछ पैचअप जैसे पूरे में लग जाता है फफूंद जैसे, उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल में, इफ्लोरेसेंस। क्रैकिंग क्या होता है, समझ रहे हैं, क्रैक को क्रैकिंग बोलते हैं। फॉलिंग आउट द प्लास्टर, प्लास्टर का बाहर गिर जाना, इसको तो बोलेंगे नहीं, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है क्या, ब्लोइंग ऑफ द प्लास्टर। और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप जरूर मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का जरूर जवाब दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए क्या है, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक का पोर्शन है विदाउट अ ट्राइंगुलर, विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ ऑफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ इज द कॉल्ड। देखिए सारे क्लोजर यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, सारे पहले ब्रिक, पहले एक ओरिजिनल ब्रिक बना दिया हमें, दिस इज ए ब्रिक, ये आपकी ब्रिक हो गई। ओके, अब ब्रिक की कटिंग देखना, पहले मैं 4-5 ऐसे ब्रिक बना देता हूँ कि सारे ब्रिक की कटिंग आपको करके बता देता हूँ। सेकंड ब्रिक,
ये आपकी फोर ब्रिक हो गई। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये देखना है क्लोजर्स क्या होते हैं। जो क्लोजर होते हैं ना, टू टाइप के होते हैं, किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर होता है। सिक्वेंट ब्रिक इसको छोड़िए अभी आपके सिलेबस में, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्वीन क्लोजर किसको बोलते हैं आप, क्वीन क्लोजर जो आप जो ब्रिक है ना वो कुछ इस तरह से कट होता है, कुछ इस तरह से कट होता है, ये आपका क्या हो गया, क्वीन क्लोजर हो गया। और क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर जब आपकी विड्थ आधी हो जाए, लेंथ आपकी फुल रहे, विड्थ आधी हो और लेंथ आपकी क्या रहे, फुल रहे। ओके, एंड किंग क्लोजर क्या होता है, किंग क्लोजर देखिएगा, किंग क्लोजर ये आपका, किंग क्लोजर ये आपका। अब इसकी मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए किंग आपने कैसे लिखा, ये आपका किंग है ना, तो आपने क्या किया, ये वाला पोर्शन आपका कट करना है, तो आपने यही पोर्शन तो कट किया। आपने क्या किया, ये ब्रिक था, ये ब्रिक क्या, यही पोर्शन तो आपने कट किया है, ये वाला पोर्शन ही तो कट किया है ब्रिक का, तो यही पोर्शन आपने कट कर दिया, तो आपको याद रहेगा किंग इसको बोलते हैं। क्वीन कैसे लिखते हैं, क्यू आप ऐसे लिखते हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाइए, तो क्वीन को क्या है, बीच से आपको कट करना है, तो दोनों आपका क्वीन और किंग क्लोजर दोनों समझ में आ गया। ओके, और यहाँ पर बीवेल्ड ज्वाइंट जो होता है, बीवेल्ड तो बीवेल्ड आप ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ से क्या मतलब है कि बी बाई टू है आपको करना, कटिंग कहाँ लगाना, बीवेल्ड में करना, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक कट कर देंगे, आपको यहाँ से यहाँ तक इसको कट करना, ये वाले पार्ट ये उसको हटा दीजिए, दे आर कॉल बेवल। एंड दूसरा क्या बचेगा, मिटर करके एक है, यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ से ले जाके कहाँ तक कट करेगा, यहाँ तक कट करेगा। ओके, ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह से, तो यहाँ इसको इस तरह बोल देते हैं, तो इस तरह से आपको चीज़ें समझना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली विड्थ बी बाई टू बचेगा, ये आपका एल बाई टू बचेगा, तो सारी चीज़ों को आप समझिएगा कि किस तरह से होता है। और इन चार क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कि अ ब्रिक मेसनरी कुड फेल ड्यू टू, एक ब्रिक मेसनरी किसके वजह से फेल हो जाती है। ओके, किसके वजह से, रप्चर टूट जाना अलोंग वर्टिकल ज्वाइंट इन द पुअरली बॉन्डेड वॉल, बिल्कुल सही बात है। अगर ये पुअर देखिए, ये दो ब्रिक था, इन दोनों को आपने ऐड किया था और बीच में जो बॉन्ड इनका जो मोर्टार यूज किए ना उसके पास सफिशेंट डिस्टेंस नहीं, तो क्या होगा, जैसे यहाँ लोड लगाए, यहाँ आपने लोड लगाया, क्या होगा, ये वाला ब्रिक कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ओके, शियरिंग पहला सही है, शियरिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो शियरिंग है ना अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड क्या हो जाएगा, शियरिंग हो जाएगा। यही शियरिंग को रोकने के लिए आपने क्या प्रोवाइड करवाते हैं, शियर की, समझ रहे हैं ना, जो फ्रॉग प्रोवाइड करवाते हैं वो शियर की का काम करता है। ओके, इसके बाद क्या है कि क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रशिंग मीन्स टूटना, क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, एनी ऑफ दीज, मतलब क्या, यहाँ पर सबकी सभी ऑप्शन सही है, समझिएगा यहाँ पर क्या, सभी के सभी ऑप्शन सही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ए स्टोन मेसनरी स्टोन आर प्लेस दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर टू द प्लेन ऑफ बेडिंग, टू द प्लेन ऑफ बेडिंग, ए स्टोन मेसनरी स्टोन आर सो प्लेस दैट द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर टू द प्लेन ऑफ बेडिंग, क्या है, यहाँ पर क्या होगा, राइट एंगल होगा, यहाँ पर क्या होगा, राइट एंगल होगा। इसके पहले भी ये वाला क्वेश्चन करवाया जा चुका है, अभी जब मैं इसका सब मतलब इसका कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा ना, तो वहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि जो स्टोन मेसनरी है आपकी, आस्लर मेसनरी एंड रबल मेसनरी टू टाइप की होती है, यहाँ पर भी दे आर फर्दर क्लासीफाइंग 12 टाइप के क्लासीफाई होते हैं। अब आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे किस तरह से ये क्लासीफाई होते हैं, ठीक ना, तो याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका अ स्टोन मेसनरी क्या बोला जा रहा, अ स्टोन मेसनरी द स्टोन आर प्लेस इन पोजिशन सच दैट नेचुरल बिडिंग प्लेन इन, यही क्वेश्चन तो अभी हुआ है, नॉर्मल टू द प्रेशर दे कैन कैरी, सेम क्वेश्चन तो हुआ, अ हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द ब्रिक और स्टोन इज टर्म एज, क्या बोलते हैं, चलिए आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर क्या है,
इसका मुझे आंसर चाहिए, क्या है इसका आंसर? चलिए इसका आप आंसर बताइए क्या है। इसका आपको आंसर बताना है कि अ हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ए ब्रिक, ओके, हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द ब्रिक और स्टोन स्टर्मेज क्या, एक हॉरिजॉन्टल लेयर है, हॉरिजॉन्टल लेयर आपसे बोला गया है। जब हॉरिजॉन्टल लेयर बोला गया है तो क्या आपका होगा, वो आपका कोर्स कहलाएगा। देखिए ये आपका कोई एक वॉल थी, इसको आप अगर ऐसे गाँव की भाषा में सुनेंगे तो पता क्या बोलते हैं इसको, रद्दा होता है ना। मिस्त्री बोलता है कि आज तीन रद्दा मतलब ब्रिक लगी है, तीन रद्दा चलेगा बस। तीन रद्दा मीन्स दिस इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। इसको फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स, ठीक ना। तो कितने कोर्स हो गए, हेडर क्या हो गया आपका, हेडर भी आपको पता है, स्ट्रक्चर भी आपको पता है, बेड क्या है, दिस इज कॉल्ड अ बेड, दिस इज कॉल्ड अ बेड, ओके। तो याद रखिएगा सारी चीज़ें आप। द फॉलोइंग डिफेक्ट मे अराइज इन प्लास्टर वर्क, इसमें कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो कि प्लास्टर वर्क में राइज होता, जनरेट होता, क्रैकिंग, बिल्कुल क्रैकिंग होती है आपके, क्रैकिंग होती है ना, आपको पता है आपके प्लास्टर में क्रैकिंग होती है, जैसे आपके टूथपेस्ट में नमक है वैसे यहाँ पर क्या होता है, कौन कौन से डिफेक्ट प्लास्टर में, क्रैकिंग, बिल्कुल क्रैकिंग होती है, इफ्लोरेसेंस बिल्कुल होता है। इफ्लोरेसेंस तो देखे होंगे यार कि वाइट कलर के पैचअप जैसे लग जाते हैं आपके ब्रिक में या प्लास्टर में, कैसे होता, मॉइस्चर के कारण, आपके प्लास्टर में अगर मॉइस्चर आ गया, धीरे धीरे वहाँ नमी बनी रही, कुछ डैम्पनेस होता रहा, तो क्या होगा, वाइट कलर का सफ़ेद सफ़ेद कलर का निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो फ्लोरेसेंस बोलते हैं। पीलिंग तो आई डोंट नो बट आर ऑफ दीज आपका ऑप्शन हो गया। अरे वाह बहुत अच्छा फिगर है भाई, कलरफुल, कि अ ब्रिक मैसनरी, अ ब्रिक मैसनरी फॉलोइंग फिगर इंडिकेट विच टाइप ऑफ क्लोज क्लोजर, व्हिच टाइप ऑफ द क्लोजर, व्हिच टाइप ऑफ द क्लोजर, ये आप फिगर में देख पा रहे हैं किस टाइप का क्लोजर है। आपसे फिर बताया ये आपका कितना पोर्शन कटा है, इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं ना, आपका ये वाला पोर्शन कटा है ना। अब आप बताइए ये किंग का केज ऐसा नहीं लग रहा क्या, ये आपका किंग का केज ऐसा नहीं लग रहा है आपको, ये आपका किंग का केज ऐसा नहीं लग रहा है, ये वाला पोर्शन, अगर आप किंग आप कैसे लिखते थे, ये लिखते थे, सॉरी आप किंग कैसे लिखते थे, ये लिखते थे किंग। अब ये वाले लाइन को हटा के आप क्या कर दीजिए, सामने लगा दीजिए। आपने क्या किया है, अब ब्रिक से यही वाला पोर्शन तो हटाएं, तो क्या होगा, किंग क्लोजर होगा। क्वीन क्लोजर में क्या होता है, क्वीन क्लोजर में आपको पहले बता चुका हूँ कि आप ब्रिक को बीच से कट कर दीजिए, क्योंकि क्वीन को बीच से कट कर दीजिए, क्वीन क्लोजर हो गया। बीवेल में क्या हो गया, बीवेल में विड्थ हाफ रहेगी और ये वाला कॉर्नर मिला दीजिए कुछ इस तरह, ओके, बीवेल हो गया। मीटर में क्या हो गया, ये वाला कॉर्नर लीजिए और यहाँ से मिला दीजिए। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड। देखिए जिग जॉग बॉन्ड तो है नहीं, डायगनल बॉन्ड तो है नहीं। डायगनल बॉन्ड आपका कैसे, मैं बना के आपको बताया था, ये आपकी वॉल थी कि सॉरी आपका डायगनल बॉन्ड किस तरह का था, देयर डायगनल बॉन्ड, ये आपका डायगनल बॉन्ड हो गया। इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड के बारे में पता ही था। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपका हेडर स्टेच सॉरी स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर या मतलब क्या हो गया आपका फ्लेमिश बॉन्ड, क्या हो गया आपका फ्लेमिश बॉन्ड, क्या हो गया आपका फ्लेमिश बॉन्ड, या आपका फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, डबल फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। तो समझ रहे हैं आपको कुछ इस तरह से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कि अ ब्रिक लेड विथ लेंथ, आपका जो लेंथ है ना परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वॉल। देखिए ये आपकी लेटर सपोज ये आपकी वॉल ही थी, ऐसे ही वॉल थी, इसकी ये लेंथ है, इसकी ये लेंथ थी, सपोज दैट कुछ भी लेंथ थी आप,
ये आपकी वॉल थी। अब ये क्या है कि अ ब्रिक लेड विथ लेंथ, ये ब्रिक हम इसको ब्रिक मान लीजिए, अब एग्जाम में भी ऐसे ही करिएगा, लेंथ परपेंडिकुलर इसके क्या है ये, अगर ये ऐसे रहती तो पैरेलल हो जाती, अगर आप ब्रिक को ऐसे रखते लेंथ के क्या है आपके पैरेलल हो गई। अब ये ऐसे कैसे होगा, ये परपेंडिकुलर है ना, इसके परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वॉल, लेंथ ऑफ वॉल के परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा आपका होगा, ये आपका हेडर हो जाएगा। ऐसे आपको समझना, ये क्या हो गया आपका हेडर हो गया। तो आपको चीज़ों को इसी तरह समझना, याद कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि विच टाइप ऑफ द बॉन्ड कैन बी मेड फॉर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का बनाना है तो हेडर आपका होगा, 10 सेंटीमीटर का बनाना है तो क्या होगा आपका, 10 सेंटीमीटर का हेडिंग बॉन्ड ही होगा, हेडर बॉन्ड, हेडर DER हेडर बॉन्ड बोलिए, ठीक ना। इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड आपको पता ही है। स्ट्रेचर बॉन्ड में यहाँ पर अगर वहाँ से थोड़ा सा गेम करता वो यहाँ पर 20 बोल दिया जाता, कितना 20 बोल दिया जाता, देन योर आंसर विल बी, आपका आंसर कितना होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब कौन सा आपका आंसर होगा, आंसर विल बी चेंज और नॉट, आपका आंसर चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा ये आप बताइए मुझे। तब आपका आंसर होता है स्ट्रेचर, ओके। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सीमेंट, सीमेंट हो गया, लाइम चूना हो गया, एंड सैंड हो गया, बाय वॉल्यूम ऑफ द सिंगल कोट प्लास्टर, सिंगल कोट प्लास्टर, सिंगल कोट प्लास्टर करना है आपको। ये तो पहले तो हटा ही दीजिए, ये वाला भी हटा दीजिए, 129 होता नहीं आपका, क्या होगा 116, क्या होगा 116 आपको, क्या चूना मिलाना तो मिलाइए, नहीं मिलाना तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हेडिंग बॉन्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर, क्या है हेडिंग बॉन्ड, क्या है हेडिंग बॉन्ड इज यूजुअली यूज्ड, जो आपका हेडिंग बॉन्ड है ना यूजुअली यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, हाफ ब्रिक वॉल, वन ब्रिक, टू ब्रिक। अब देखिए अगर वन ब्रिक यहाँ बोला जाएगा तो वन ब्रिक मतलब ये होता है कि आपका ये ब्रिक है, ये आपका, अगर आप सामने से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, सामने से स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आपका ये वन ब्रिक हो गया, समझ रहे हैं ना, ये टू ब्रिक हो गया, टू ब्रिक मीन्स यहाँ टू ब्रिक रखी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हेडिंग बॉन्ड क्या होगा, वन ब्रिक वॉल होगा, क्या वन ब्रिक वॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चलिए इसका आप आंसर बताइए मुझे क्या है, इसका मुझे आपसे आंसर चाहिए। चलिए इसका आप आंसर बताइए कि व्हेन सीमेंट एंड लाइम आर यूज्ड इन डिफिनिट प्रोपोर्शन एज बाइंडिंग मटेरियल, मोर्टार इज नोन एज, क्या बोला जा रहा, सीमेंट भी बोला जा रहा, लाइम भी बोला जा रहा, सीमेंट और लाइम जहां एक साथ होगा उसको गेज मोर्टार बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, गेज मोर्टार, उसको क्या बोला जाएगा, गेज मोर्टार उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ एक्टिंग स्टोन, आपका फिर सोई परपेंडिकुलर आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द 9x9 सेंटीमीटर साइड ऑफ द ब्रिक ऑफ सीन इन द वॉल फेस, व्हाट इज द कॉल, फिर से आप इसको, आपको ही आंसर बताना है इसका, ठीक है, मैं तो अभी बता दूंगा बट आपको भी थोड़ा सा लगाना है अपना दिमाग, कैसे होगा, चीज़ों को कैसे समझना है, ऐसा नहीं है कि आप ग्राउंड में उतर के ही बैटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, सबसे पहले आपको समझना है कि आप उसकी प्रैक्टिस किए कि नहीं किए, समझ रहे हैं ना, कि चीज़ों को अपने से समझें, तो यहाँ पर चीज़ों को आपको अपने समझना है, यहाँ पर क्या है, अब जो भी है इसको आपको अपने से समझना है। When the 9x9 सेंटीमीटर साइड ऑफ ब्रिक इज सीन इन द वॉल फेस, देखिए आपका वॉल फेस क्या है, ये 9x9 ही आपको दिख रहा है,
9x9 ही दिख रहा है, 9x9 ही दिख रहा है आपको, तो आपका ये क्या होगा, हेडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हेडर हो जाएगा। आपको ऐसे ही समझना है, आपको सामने से दिख रहा होगा, सीन इन द वॉल फेस, वॉल फेस आप बोला, और आपसे बोल दिया जाता वॉल साइड। देखिए यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस हो जाता आपको, मैं यहाँ पढ़ना तो बता ही रहा हूँ, साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से गलतियाँ नहीं करनी, एग्जामिनर कहाँ कहाँ से आपसे गलतियाँ करवा सकता है, समझ रहे हैं। यहाँ से वॉल साइड भी बोला जा सकता था, और अगर आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, अगर ये वाला ये कुछ इस तरह से था, ये कुछ इस तरह से था, इसकी साइज कितनी थी, 19 थी, आप कुछ इस तरह से देखा जा रहा था, आप यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे तो आपको क्या ये लेंथ दिखाई दे रही थी, और यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे तो यहाँ से क्या दिख रही थी, इसके विड्थ दिखाई दे रही थी। तो यहाँ ऑप्शन आपका हेडर होगा, और यहाँ पर अगर आपको यहाँ सीन करवाया जाता देन आपका आंसर क्या होता, स्ट्रेचर होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। द फॉलोइंग फिगर, फिगर तो बहुत अच्छा बना है, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, देखिए फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, पहले तो हेडर स्ट्रेचर इनको हटा दीजिए, इंग्लिश और इंग्लिश एंड फ्लेमिश ये दो में चेक कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर है क्या, अगर आप ऐसे देखें कि हेडर स्ट्रेचर, आप बताते रहिएगा हेडर स्ट्रेचर, हेडर ये अब क्या है, एक ही लाइन में आपका हेडर और स्ट्रेचर है, तो क्या ये फ्लेमिश बॉन्ड का डबल फ्लेमिश बॉन्ड नहीं हो गया, तो क्या बोला जाएगा, डबल ये आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड हो गया। देखिए थ्री क्वार्टर क्लोजर ये जो यूज हो रहा है ना, ये आपका थ्री क्वार्टर क्लोजर यूज हो रहा है, ये आपका थ्री क्वार्टर क्लोजर यूज हो रहा, ये जो आपका थ्री क्वार्टर क्लोजर यूज हो रहा। ओके, ये क्या है, पैटर्न पिक आउट इन द हेडर, हेडर आपके ये क्या है, पैटर्न पिक्ड आउट इन हेडर में, थ्री क्वार्टर क्लोजर आपका हो गया, एंड स्ट्रेचर ये आपका स्ट्रेचर हो गया, ये आपका हेडर हो गया। एक्चुअली ये हेडर, ये इसको यहाँ नहीं दिखाना चाहिए, इनको यहाँ दिखाना चाहिए, ये वाले पोर्शन इसको हेडर बोलना चाहिए था। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन था, और अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बताइए, मैं उसको अभी आपको हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ उसका आंसर। अच्छा, कौन सा आपको, आपको देखना है इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड। ओके, इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड आपको बताना है, ठीक, यहीं पर बता देता हूँ इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड। इसके पहले वाले में जगह थी, हाँ यहाँ पर इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड, यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ। चलो साइड में हो जाओ, देखिए इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ, सारा कुछ यहाँ पर हेडर, दिस इज द कॉल्ड हेडर। ओके, दूसरा क्या है, यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, इंग्लिश में क्या होगा, दो ही कोर्स या सिंगल कोर्स ही बना के बता दे, दो ही कोर्स बना रहा हूँ, फर्स्ट कोर्स में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, जब आप इंग्लिश लिखेंगे तो स्ट्रेचर स्ट्रेचर, यहाँ पर क्या होगा, हेडर 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 हेडर,
इसके बाद फ्लेमिश बाउंड में क्या होगा, आपका एक ही लाइन पे क्या होगा, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, ये आपका क्या हो गया, फ्लेमिश बाउंड हो गया। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, आई होप ये जो मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपका जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2022 का, जो अभी आपका SSC का एग्ज़ाम होने वाला है, RRB की JEE की वैकेंसी आने वाली हैं, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी, उसके लिए आप देखिएगा कि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और क्योंकि इसके लिए अभी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, आपका इंटरेस्ट है नहीं, और इससे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बहुत से ऐसे टीचर हैं जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि लड़कों का मन इस पर लगता नहीं है, उनको ये लगता है कि सारा कुछ पता है लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है ना तो कुछ भी नहीं पता होता सिवाय अपने नाम के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप बताइएगा, नेक्स्ट सेशन में मैं उसको क्लियर करूँगा। ओके।